जो दिन अज है सदा यह नहीं रहना, दिनों विच गर्दश है। कबीर नामदेव जी का शायद कबीर जी का एक शब्द है नामदेव जी का, कबू खीर खांड घ्यो ना भावे। कभी तुम देखते दे हो परमात्मा इना कुछ देंदा है कि बंदे का चित नहीं करता। वो खंड कबीर साहब नामदेव कहते घ्यो शक्कर जिन्ने कीमती पकवान ने उन्होंने ठुडे मारदा है नहीं। तो महाराज कहते कभी परमात्मा की यह भी समर्था जे एहो जी खेड वरता दिंदा है, बंदा झोली पा के लोगों दबूवे अगे खलो के रोटियां मंगता है कि मैं रोटी मिल जाए। कमाल की गल, कई रोटी नहीं मिलती, वो ठुडे मार देंगे ने। तो वह बेचारे जेडे कभी खंड घ्यो धक्के मारते सन, पैरों के ठुडे मारते सन, अज कूड़े के ढेर से बैठे हुए, जिन्होंने लोगों ने रात खाना खा के सटिया वो चुन चुन के दाने खाई जाते हैं। दिल्ली आप कई बार देखे जी, जिथे मैरिज पैलेस ने ना जी, जदों रात को विआह हो जाते हैं सवेरे सब कुछ छड़ देंगे, उत्थे निक्के निक्के बच्चे नगन अपने हत्थां नाल जूठ विचों दाने चुंदे ने। खैर तां वी बंदे ना, मेरी बेनती उस परमात्मा की खेड का कोई पता नहीं। गुरु ने शब्द वरत्या कि तू घबरा ना, तेरे अंदर की पीड़ा तेरे अंदर की बिरथा सुनेगा, वो सुनेगा जिहड़ा सब कुछ करन दे समर्थ है। बेनती असीं पहला सिर्फ समर्थ ही शब्द लिया है, हजूर का बचन है कबू खीर खांड घ्यो ना भावे, कबू घर घर टूक मंगावे, कबू कूरन चने बिनावे, बिना चूना कदी कूड़े तो छोलिया के दाने पे इकट्ठा करता है। महाराज कहते कबू कूरन चने बिनावे, कबू तुरे तुरंग नचावे, कदी कीमती अरबी घोड़िया नचांदा है। तो कभी यह जो दिन आ जाते हैं पैरों च पाण वास्ते जुत्ती भी नसीब नहीं होंगी, कबू तुरे तुरंग नचावे, कबू पाए पनियो ना पावे। महाराज कहते कबू खाड़ सफेदी सुवावे, कभी रोज बिस्तरा बदलिया जाता है। कई वरी केवल कख लैके कबू भूम प्यार ना पावे, पराली चुकी फिरद कि दुकान का शटर बंद हो जाएगा, ये बूहे अगे मैं पराली बिछा के पै जाऊंगा, कि वो समर्था नहीं। चलो आप इस पक्ष तो नहीं लैना भी यह सोचिए भी आ कुछ जो कह रहे हैं भी नैगेटिव अप्रोच नहीं, दूजे पासे होर भी समर्थ है, रुलद्या बख्शिश भी करता है। रविदास साहब ते कृपा हुई। मैं एक बार अर्ज की सी कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने मान अपमान की अवस्था को बराबर किया, पर जिथे लोड़ पई उत्थे भगतां ने हाथ जोड़ के कहा इज्जत जरूर बख्शी। तुसी देखो एक पाठ कर दिओ, मान मांगो तान मांगो तन लक्ष्मी सुख दे। हुण जिन्हां नूं जिवें हुण भाई साहब शब्द पढ़िया, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, गुरु रामदास जी का शब्द। हुण इस शब्द विच दो गल्लां ने, आम बंदे नूं मान मिलदा हंकार विच कहिंदा अपनियां कमाईयां नाल इज्जतां बणाईयां ने, सुणी दे असां कमाईयां कीतियां इन्नी कल ना कली तां इज्जतां बणियां, दुहाई रब दी बिल्कुल झूठ जे। जदों बंदगी करन वाले नूं इज्जत मिलदी है उह कहिंदा मैं इहदे लायक नहीं सां, जिथे तूं मैनूं पहुंचा दित्ता तेरी कृपा है, उह कदी नहीं कहिंदा मेरी कल ना। हुण महाराज इत्थे कहा जो खमरी बिद होती मेरे सतगुरा, इसे तरह एक बचन कह महाराज सच्चे पातशाह का, रविदास साहब का शब्द तो सब शब्द चेते वे, जेड़ा सब कुछ करन दे समर्थ वो शब्द कह ऐसी लाल अर्थां दी लोड़ नहीं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन खरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा मत है छत्र तर है, जाकी छोत जगत को जिदे परछावे तो लोग डरते ने भी ये शोधर है, जाकी छोत जगत को लागे ता पर तू ही टरै, नीचे ऊच करै मेरा गोविंद। अगे समर्था है वो ना तो वोटिंग नाल उच्चिया करता है, ना वो किसी दे लोकां दी राय लैके उच्चिया करता है। महाराज कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करै, गरीब निवाज गुसैया मेरा मत है छत्र तरै, जाकी छोत जगत को लागे ता पर तू ही टरै, नीचे ऊच करै मेरा गोविंद काहू ते ना डरै, नाम दियो कबीर तरलोचन सदना
सैंतर है, अगली तो की समर्था है जी, नाम दियो कबीर त्रिलोचन सदना सैंतर है, कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सब है समय सरैदा अर्थे सब कुछ करन दे समर्थ। मैं बेनती है जी, एक ता पक है जेड़ा सब कुछ करन दे समर्थ है, हर चीज ओ दे खातिच है। महाराज कहिंदे एडी वड्डी समर्था कि समर्था वाले भी ओ दे सामने असमर्थ हो जाते हैं, जेड़े बहुत समर्था रखते आ उहदे सामने वह भी असमर्थ हो जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी दे ये बचन के वीर अपार बड़े बरियार अब चार सार की धार पछैया, किड्डे समर्थ ने जी, वड्डे वड्डे सूरमे जेड़े अपने चेहरे ते अपने जिस्म ते इउं कह लो गोलियां दे फट तलवारां दे फट तीरां दे फट, वीर अपार बड़े बरियार अब चार सार की धार पछैया, तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया। हाथियां नू मलन वाले किलियां नू तबाह करन वाले, माते गजान के मान मलैया, गाड़े गढ़ान को तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया, साहिब श्री सब को सिरनायक, इनी समर्था वाले महाराज कहिंदे जाचक अनेक, इनी समर्था वाले ताकत वाले मंगते बन के उस परमात्मा दे दर ते मंगते ने, अपने आप नू समर्थ कहिंदे ने, इहो जिहा समर्थ भी रब दे घर दे मंगते ने। मैं फिर बेनती करांगा जाचक अनेक सो एक दवैया। हुण इथों असीं अद्धा पख लिया जी, हर समृथ पुरख अपार जिहड़ा समर्थ है सर्व व्यापक है। आरंभ च महाराज कहिंदे जी की बिरथा सो सुने, अंदर दी वेदना अंदर दी पुकार ओ परमात्मा सुनदा जिहड़ा सब कुछ करन दे समर्थ है। भावें अरदास दी विचार असीं बहुत साल पहला इत्थे कीती, ते इंज गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करो, एक नाम दूजा गुरु ते तीजी अरदास तो बिना है कि विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दी है कि दा मतलब होर बाकी गल्लां वखरियां पखंड परपंच, पर सिर्फ इक्को ही तरला गुरु नाम ते अरदासां ने। हुण पार ब्रह्म परमात्मा अंदर दी वेदना सुनदा है, ते दास ने एक बार अर्ज कीती सी ठीक है शब्दावली, अरदास सच एवे बेबसी विचों जदों लफज निकलते ने वह लफज रब दे घर दे दरवाजे तोड़ देंदे आ, कमजोरी विचों जदों बंदा असमर्थ हो जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब च बड़े शब्द ने, जदों बेबसी विचों आत्म समर्पण करके निम्रता दे बोल किसी भी सीने विचों निकलते ने परमात्मा दे दर ते सीधे सुने जाते हैं। भावें कि डॉक्टर नेकी साहब उन्हां दी अरदास दे तुल किसे किस उस बराबर ते किताब कोई नहीं जो लिख गए, पर उन्होंने शुरुआत एक अंदर दी वेदना तो कीती सी कि अंदर दी बिरथा, ते उन्होंने मलाना रूम दी एक कहानी पहला दर्ज कीती सी मसनवी विचों। चलो सीधी जी गल के गडरिया भेडां चारन वाला आजड़ी वो इको गल कह रहा सी, रुख थले बैठा अंतर आत्मे जुड़िया डूंगा, उन्हें यही शब्द कह सन परमात्मा आपां इकट्ठे रहिए मैं तेरे कपड़े धोवांगा, तेनू ताप चढ़ गया मैं जड़ी बूटी नाल इलाज करांगा, जे तेनू गर्मी लग गई मैं बकरियां दा दुध पियांगा क्योंकि बकरी दा दुध ठंडा हुंदा है, ये सब नू पता होना है, मैं तेनू बकरी दा दुध दियांगा कपड़े धोवांगा, बुखार चढ़ गया मैं तेरे ताप लैण दा प्रबंध करांगा। इतफाकन उतों हजरत मूसा साहब निकल रहे सन, उन्होंने सुनिया रुक गए, उन्हें वट के चपेड़ मूँह ते मारी, कंबख्त जिहड़ा सब दी पालना करन वाला तू कौन है दुध देण वाला, जिहड़ा सब दे दो कटदा तू उहनू ताप चढ़ा देंगा, जिहड़ा सब नाल इह कुछ करदा ते अज भी चेते रखियो शरां च बद्धा होया बंदा जदों प्रेम की गल कोई करता है शरई बंदा उहनू काफर कहण लग पैंदा है, शरा विच बद्धा कहिंदा नहीं, वह इस तरह पैमाने विच गिनती मिनती विच रब नू उहना चपेड़ मारी तू कौन, वह बेचारे दियां अखां च पानी आ गया। हजरत मूसा गया पर कहिंदे कहतूर ते उहदे कन्न च आवाज पई, तू ना बराए वसल करदन आमदी, तू बराए फसल करदन आमदी। यह दो शब्द ने वसल ते फसल, वैसे फसल आपां बार भी कहिंदे फसल दा अर्थ हुंदा तोड़ना कटना,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬਰਾਏ ਫਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ, ਤੂੰ ਬਰਾਏ ਵਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਏਵੇ ਤੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਝਲਕ ਤੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਰੀਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਝਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀ ਜੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਖਰ ਭਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਬੇਪਲਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਬੇਬਸੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਬੇਬਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੇਬਲਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਨਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੁਇ ਮਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੂੰ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੀ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਨਾ ਸਿਆਣਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਦੋਹਰਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੇਬਸੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬੇਬਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈ, ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਤੰਦਵੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬੇਬਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ, ਆਤਮਕ ਬਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੰਦਵੇ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਬਸੀ 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 ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਹਾਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇਬਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉਂ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਬਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਲ ਹੋਵਾ, ਦੇਖੋ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਲ ਹੋਵਾ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਤੁਮਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਸਿਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਬਿਰਥਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਤੁਮਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਆ ਅਗਲੀ ਬਾਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो। ते बिदर दे ए शब्द दी व्याख्या करने वास्ते हस्तनापुर दी साकी दा जिक्र करना पड़ेगा। बिदर दासी दा पुत्र है। महाराज ने कहा दी जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुतै किशन उतरिया घर जिस जाए। ते ए शब्द गुरु रामदास दा है सोई राग दा। पर इत्थे दसना पेगा, असी सारे कहने हैं कि सिर्फ उन्हें इक्को शब्द क्या सी, अंध के अंध रहे। यही क्या ना, दुर्योधन अन्ने दा तू अन्ने ही रहा। ते गीता शुरू भी इतों हुंदी है कि धृतराष्ट्र संजय तो पुछदा है कि मैनू कुरुक्षेत्र भी जो कुछ हो रहा है वापर रहा है मैनू ओहदे बारे दस, क्योंकि ओहदियां अखां कोई नहीं। चलो उत्थे शुरू हुंदी है गीता सारी। पर द्रौपदी का चीर हरण होया, गुरु ग्रंथ साहब ने उन्हें मनिया, फिर द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत बस्तर दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते रखिया गनका पड़त पूरे ते काज, सुदामे नू बचाया। मेरे मन च एक दिन पाठ कर रहा सा भाई साहब दिया कविता का, द्रौपदी का चीर हरण बच गया, बच गई, सुदामे की दरिद्रता कट्टी गई। ते सराम सुदामे का ते कृष्ण जी का मैं पिछले दिन ही कहा, जिथे मेल होया उसका नाम है द्वारका बेठ, गुजरात दे विच है। हुण द्रौपदी का चीर करन हो रहा, वह अरदास बेबस है ना जी, बेबसी, पांडव बैठे आ, पितामा बैठा, द्रोणाचार्य बैठा। पर भाई साहब ने एक नवा नुकता दिता, गुरदास साहब ने कहिंदे ने कि असल च इहदा पत तां बच गई क्योंकि द्रौपदी ने एक वारी दरबाशा ऋषि इनान कर रहा सी, ओदी कुपीन रुड़ गई, अपनी साड़ी दा पल्ला पाड़ के उस वल सटिया, उन्हें कपड़ा पकड़ के कहा सी कि मेरे नगेज नूं टक्कण वाली है परमात्मा तेरे नगेज नूं टक्केगा। सिर्फ उन्हें कपड़े की गल की। सदामे ने की पुन बीज बीजा, सिर्फ थोड़े जे दाने दिते। हाथी ने सिर्फ कमल का फुल भेट किया, इहदा मतलब जेड़ा पुन कर्म है चाहे गुरुद्वारे है चाहे मानवता दा है, परमात्मा पुन कर्मा नूं सड़न नहीं देंदा। भाई साहब ने लिखिया कि द्रौपदी कपीन मात्र दई जो मुनिस रहें, तांते सभा मद बहो बसन परवाह जी, तनक तंदुल दुगदीशै दिए दय सुदामे, तांते पाए चतर पदार्थ अथाह जी, जुगत गजिंद अरबिंद गह पेट राखै, तांके काजै चक्र पान आन ग्रसै ग्राह जी। इत्थे बिनती जी पहला बचन महाराज जी ने किया कि अंदर दी बिरथा अंदर दी पीड़ा, भाई सिखो अंदर दी वेदना वो परमात्मा जी सुनते ने जेड़े सब कुछ करन दे समर्थ ने। महाराज जी ने पहला बचने कहा कि जी की बिरथा सो सुने, आप अर्थां वल ध्यान दिया जी। जी मैं कल भी बेनती की सी, एक शब्द जियो आउंदा है, एक जी आउंदा है, जिथे जियो आउंदा है एक वचन, जी आउंदा है बहुवचन, जिथे पाओ आउंदा है एक वचन, जिथे पाम आउंदा है बहुवचन बाणी च। ये महाराज की बाणी के कई शब्द ऐसे ने जी। इत्थे महाराज कहिंदे अंदर दी, इत्थे जी दी, अंदर जीव की जिहड़ी बिरथा है पीड़ा है सो सुने, कौन सुनदा है, हर समृथ पुरख अपार, वो समर्थ परमात्मा सुनदा है जिहड़ा सर्व व्यापक है, ते अपार दर्थ है जिस दा पार वाला बनना किसे नहीं पाया। महाराज अगे कहिंदे मरण जीवन, इत्थे मरण ते जीवन दोनों नाणे नाल ने जी, हालांकि मरण ते जीवन बाणी च नन्ने नाल भी आया। मरण जीवन ऐड़े नूं कन्ना लगा, आराधना आराधना नहीं पढ़ना, ए जो लिखा उत्ते मरण जीवन आराधना ऐड़े नूं कन्ना लगा, आराधना सबना का आधार ऐड़े नूं फिर इत्थे कन्ना लगा। उंज ते वैसे मेरा ख्याल गुरु ग्रंथ साहब दे 100 अंग ध्यान नाल कोई संथ्या कर ले ते नाल ही सहज पाठ शुरू कर जाए समझ पैन लग पैंदी। आ छोटे जे नुक्ते ने, शरण मरण जीवन आराधना सबना का आधार, ये अर्थ शुरू करां। कल भाई साहब ने एक शब्द वरत्या अनवै, गुरु ग्रंथ साहब बड़े शब्द ऐसे ने जिन्हां दे अनवै अर्थ करने पैंदे ने, जो लिखे उस तरह नहीं अर्थ होणगे। मैं एक बार बेनती की मंजी साहब
ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕੰਧਾਂ ਵਾਹ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀਂ ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਰੱਖਣੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, ਉਲਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਨਵੇਂ ਅਰਥ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਰਥ ਨੇ, ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, ਸਾਢੇ ਤੀਨ ਹਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੁਤਾਬਕ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ, ਉਹ ਤੇ ਥਾਂ ਬੜੀ ਘੇਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਥਾਂ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇਗਾ ਘਣੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ ਦੇ ਅਨਵੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਖੋ ਨੀਵਾਂ ਉਸਾਰੋ ਕੰਧ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਅਨਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬੜੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ, ਅਨਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਆਰਾਧਨਾ। ਸੁਣਿਓ, ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ, ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਆਰਾਧਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਰਾਧਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਪਾਨੀ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਆਹਾ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਵੱਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇਹ ਨੇ ਅਰਥੇ ਦੇ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸਾਹ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਸੁਰੈ ਪਈਐ ਤਿਸ ਕੰਤ ਕੀ। ਸਸੁਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹੁਰਾ ਘਰ, ਪਈਐ ਦਾ ਅਰਥ ਪੇਕਾ ਘਰ। ਤਿਸ ਕੰਤ ਕੀ, ਉਸ ਕੰਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਕੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤੀ, ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਸਸੁਰੇ ਪਈਐ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਅਰਥ ਸਸੁਰੇ ਪਈਐ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੈ ਮੰਝਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਸੁਰ ਤੇ ਪਈਐ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਕਾ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਈਐ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਸੁਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਦਾ ਸਹੁਰੈ ਵੰਝਣਾ, ਸਾਹਮੁਖ ਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਪਈ ਅੜੈ ਸੌ ਸੇਵ ਤੂੰ ਐ ਸੰਸਾਰ ਪੇਕਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੌ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ,
पेई अड़ै सो सेव तू, महाराज शब्द वरते ने, सौर अड़ै सुख वस। इहदा मतलब इस जीवन विच जिहड़ा शब्द है ना मरण जीवन, जीवन विच परमात्मा नू चेते कर, इस पेके घर भी चेते कर, तेरा मरण तो बाद सौरा घर भी सुखी वसेंगे। इहदा मतलब देखो महाराज कैसी कमाल कीती, मरण जीवन नाल ही ससुरे पईए दे अर्थ होणगे, जीवन पेका कर ते मरण सौरा कर। महाराज शब्द वरदे आ कि सौरै सुख वस, गुरमिल चज अचार सिख, तुद कदै ना लगै दुख। बुल्ले ने कहा वह शब्द बड़े मैनू चंगे लगे, उहदे कहन लगे तू सुत्या उम्र मंझाई नहीं, तू चरखे तंद ना पाई नहीं, की करसै दाज तैयार नहीं, उठ जाग घराड़े मार नहीं, तेरा सारा नेड़े आया नहीं, तू चोली दाज ना रंगाया नहीं। उन्हें शब्द वरते भी ये जरा पेका कर है, इत्थे वस्तु इकट्ठी खोनी है, ते एक दिन सौरे कर सब ने जाना है। महाराज ने शब्द वरत्या सबना सौरे बंजना, इहदा मतलब सब की मौत होनी है। सतगुरु बचन कर रहे भाई याद रखियो, इहदे विच भी बड़ी कृपा की, ससुरै पईऐ कंत की। असी भावें कहने ये पेका कर कूड़ है जाना है, सौरे घर का अर्थ मौत तो बाद। गुरु अर्जुन देव कहिंदे ने भोलीए जिंदे हे जग्यासू, सौरा घर भी उस कंत दा है, पेका घर भी उस कंत दा है। इसनू इहदा मतलब की है, वड्डा जिस परिवार उस खसम दा तां परिवार ही बड़ा वड्डा है। इहनू थोड़ा जिहा फिर खोलण वास्ते जी, उंज दुनियावी तौर ते पेका घर मापिया का घर हुंदा है, ते सौरा घर पति दा हुंदा है। इत्थे होर मारे ने गल कर दित्ती, ससुरै पईऐ कंत की, दुनियावी तौर ते पेका घर मापिया दा है, सौरा घर पति दा है, सौरियां दा है। पर याद रखी तू घबरा ना, इस पेके घर दा मालिक भी तेरा वाहगुरु है, ते जिथे तू जाना सौरे घर भी उहदा ही अपने हुक्म चलदा है। जिन्हों कहने ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, जिन्हों बाणी कहिंदी दोवें थाम रखे गुर सूरे, जिन्हों बाबा जी कहिंदे आ सतगुर सिख का हालत पलत सवारै। इत्थे क्या भाई तेरा पेका कर संसार भी सौरा घर भी, तिस कंत की उस जिदी तू है, इहदा मतलब जिस दी तू इस्त्री है, ये सौरा पेका कर उसका है, ते वड्डा जिस परिवार जिदी फैमिली परिवार बड़ा वड्डा है। सच्ची मुची उहदे परिवार च कल्ले बंदे थोड़ा वा जी, असी तां परिवार भी सिर्फ हम जात नूं मानने आ ना, भी अपने परिवार विच अपने जी ने, उहदा परिवार इन्ना वड्डा है, उस विच पता नहीं किन्नियां कु जूनां उहने पैदा कर दित्तियां ने। वड्डा जिस परिवार, बड़ा वड्डा उहदा परिवार है, उहदा पसारा है। महाराज सच्चे पातशाह ने त्यां कहा कि 84 लख जून उहने पैदा कीती, एडा वड्डा उहदा परिवार है। साढ़े अंदर भी जूना ने जी, वह भी उहदा परिवार है। अदृष्ट कई शक्तियां ने, वह भी उहदा परिवार है। महाराज कहिंदे सौरे ते पेके घर दा खसम आप है, ते उहदा परिवार बड़ा वड्डा है। ऊंचा उस तो ऊंचा कोई नहीं, इत्थे ऊंचा हाइट करके नहीं मनना गुरमुखो, इहदा मतलब सुरत करके जिन्नी उचाई उहदी है ओडा ऊंचा होर कोई नहीं। आगम गम ते अगे अगे अगेतर अड़ा लगे जी, अगम का अर्थ है जिदे तक साड़ी पहुंच कोई नहीं, गमता दर ते पहुंचना, अगम दर ते जिदों तक साड़ी पहुंच नहीं। ऊंचा अगम, आगाद बोध, यह दो शब्द सुनो। आगाद का अर्थ है डूंगा, ते बोध का अर्थ है ज्ञान। कहिंदे उहदा ज्ञान इन्ना डूंगा है, उहदे ज्ञान का पारावार ही कोई नहीं। ऊंचा है, अपहुंच है, आगाद बोध है, किछ अंत ना पारावार। उस परम पिता परमात्मा का कोई अंत पा ही नहीं सकता, पारावार ही नहीं। जे आप मान लो सिफत कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं कि अंत पा लांगे, अंत ना सिफती कह ना अंत, यह की है जी, उहदा कोई सिफता नाल अंत पाया जा सकता। महाराज कहिंदे उसका परिवार वड्डा है, वह उच्चा है, वह आगाध बोध है, उहदे ज्ञान का कोई पारावार नहीं। फिर एक गल अगली सानू समझाई, सेवा सात इस भाव सी, सा दा अर्थ ओ, तिस दा अर्थ ओनू परमात्मा नू, भावसी दा अर्थ भावेगी चंगी लगेगी, फ्यूचर भावसी
लेंदी दा शब्द है जी जासी जिवें असी पढ़ने सेवा साथ इस भाव सी ए सेवा उनू तां चंगी लगेगी तां भावेगी की जी संतां की होए चार चार दा लफ्जी अर्थ धूड़ सच एवे तेरी कीती कोई सेवा तां उनू फलेगी जे तू संत जना दे चरणा दी धूड़ बन जाएगा। हुण इस नू थोड़ा जिहा असी जरूर वाच लईए सेवा कर इत्थे निम्रता अधीनगी नाल सब दे चरणा दी धूड़ बन जाएगा ते तां तेरी कीती हुई सेवा परमात्मा दी दरगाह विच कबूल होवेगी। असी बाणी च पाठ करने हैं जदों सेवा लफ्ज बड़ा उच्चा है क्योंकि इहदा हर वारी जिक्र चलदा है ते सेवा जिसनू परमात्मा तरस करदा है उहनू अपनी सेवा दी दात बख्शदा है ते सच्चे पातशाह कहिंदे सेवा दा अर्थ केवल शरीरक तौर ते काम करना नहीं शरीरक तौर ते कर्म सेवा दा हिस्सा है उंज सेवा दा दायरा बहुत विशाल है बहुत विराट है। आपां गुरुद्वारे आए चलो इत्थे क्या सेवा करने आ यह भी सेवा। मैं एक बार अर्ज की एक साडे बाबा खुदा सिंह जी होए ने असल च उन्हां दा नाम सी जसवंत सिंह थानेदार सन जी पुलिस विच उन्हां दा पिंड करनाल दे नेड़े जदों अंबाले तो किनार नूं जाइए जिटी रोड दे उत्ते पिंड आउंदा शामगढ़ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪੁੱਛਿਓ ਕਦੀ ਉਹ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਥਾਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ परमात्मा नूं। देखो हुण भाई कन्हैया जी ने भाई सुजान राय वैद है सेवा ही है ना जी ते बाबा खुदा सिंह जी बारे एक बार मैं जो कथा आपां कीती सी गुरसिखी दी ए निशानी उत्थों मैं बेनती कीती सी लाहौर विच इन्हां नूं नज़रबंद किया गया सी बाबा खुदा सिंह जी नूं ते इन्हां दी इबादत इन्नी सी कि काबली पठान जिहड़े सन अफगानिस्तानी ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਤ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ दरवाजा खोलिया उस घर विच एक बजुर्ग औरत नूं पुछिया तुहाडे घर च रोण दी आवाज क्यों। वह कहन लगे असल च मेरी नूं दे सीने ते फोड़ा है उहदा दर्द उहदा खून उहनूं टिकन नहीं दिंदा पिया। बाबा खुदा सिंह बारे कहा जांदा है जी कि उन्होंने अपने मूँह दे नाल उस गंदे खून नूं चूस के बाहर सड़ दिता सी। मैं बेनती करांगा वह धर्म स्थान नहीं जिथे वह काम कर रहे पर उन्होंने उस कर्म नूं भी गुरु की सेवा जान के लिया। इत्थे महाराज कहिंदे सेवा कोई भी होवे हाँ संगत दे चरणा की धूड़ बन जाई सेवा च हंकार नहीं दिखाना। फिर बेनती है सेवा च लेखे नहीं सची मुची बाणी कहिंदी सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए। महाराज ने कहा पर एक थां ते गुरबाणी ने कहा नहीं सतगुरु की सेवा भी गवाच जाती है। एक तां मत थोड़ी सेव गवाई है दूजा शब्द महाराज जी ने वरत्या जेड़ा बंदा फिजिकल तौर ते दिन रात सेवा करदा है ते 10 मिनट रोज निंदिया दे भावें फोन ते लावे भावें गल्लां च ला जाए जेड़ा निंदिया करदा उहदे 24 घंटे उड इंज उडदे आ जिवें तीली ला के सच्ची गल है
सुके रूह नूं कोई फूक दिंदा है। सेवा सफल कह पर महाराज जी का शब्द कह पर निंदा मुक्ते नी छूटी नेफल पई सब सेवा। महाराज कहिंदे सेवा ओ नूं पाएगी जे सब दे चरणा दी धूड़ बन जाए, निमार निर्माणता विच आ जाए। सेवा साथ इस भाव सी संतां की होए छार। अगला बचन दीना नाथ दयाल देव। दीन तो शब्द दीना गरीबां, नाथ दा अर्थ है स्वामी मालक। सीधे अर्थ करांगे दीना नाथ दा अर्थ है गरीबां दा जिदा कोई सहारा नहीं उन्हां दा नाथ उन्हां दा मालक। दयाल दयालु है। देव दा अर्थ है प्रकाश रूप है। दीना नाथ दयाल देव पतित उदाहरण खार। सच एवे ओ पापियां दा पार उतारा करन वाला है, ओ पापियां दा उधार करदा है। इस तोक विच गुरदेव ने प्रभु दे गुण दसे। गरीबां दा मालक है, दयालु है, प्रकाश रूप है, ते पापियां दे उधार करता है। ते सतगुरु बचन करदे आ आद जुगादी रखदा। आद दा अर्थ है शुरू तो, ते जुगादी दा अर्थ है जदो समा भी नहीं सी बनिया समय तो पहला भी पार ब्रह्म परमेश्वर रखदा आया है अपने भगतां नूं, रखदा आया है अपने प्यारियां नूं। जिन्हों असी रोज पढ़ने आ भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो धुर तू रखदा आया। जां असी करने आ हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हजूर ने फरमाया आद जुगादी रखदा कौन जी सच। चचे नूं औंकड़ लगी है एक वचन, नाम नूं भी औंकड़ है। करतार वाहगुरु जी का नाम है कि वह जो सच है जेड़ा सच अपने नाम विच वरतदा है। देखो सतनाम भी आउंदा ते सच नाम भी आउंदा। एक दिन मैं इत्थे करे शायद सवेर दी कि शाम दी कथा च कहा सी जिदा नाम होवेगा ना उहदे च नामी वरतदा है। नाम विच नामी वरतदा नूं सुणियो साडे च नहीं। मेरा तुहाडा नाम है वजूद मुक जाना नाम फिर भी अजे बंदा कहिंदा है चलो रहिंदी दुनिया तक इहदा नाम रहेगा। ते मैं एक दिन कहा सी भी इह तां रहना भी किस सेंस विच रहेगा। मन लो बंदा आया नाम रखिया मर गया ते बाद च भावें जिन्ना मर्जी बच्चे कही जाण नाम नूं पर जिहदा नाम सी उही मर गया, नामी नहीं हैगा। जिहनूं मरन कहा आया गया मोया नौ उहदा नाम मर गया। पर इह जिहड़ा नामी है जिथे नाम वरतेगा उथे नामी हर हालत विच आएगा ही आएगा। मां अपने सेवक की आपे रख है आपे नाम जपावे जै जै काज किरत सेवक की तहां तहां उठता वै। इथे महाराज कहिंदे ने भाई ओ आद जुगाद तो रखदा आया जिहड़ा सच है जिहड़ा नाम विच वरदा है करतार। ते महाराज कहिंदे आ कीमत कोई ना जाने ओदी कीमत कोई नहीं जान सकता। कीमत दा अर्थ ओ तां अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी है अमुल भंडार। ओदा अंत कि हर आप अमुल कहे मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक विल लाए। पर आ ये तरीका दस दिता ऐसा सतगुरु जे मिले तिस नूं सर सौंपिए विचों आप जाए। हजूर कहिंदे ने ओदी कोई कीमत नहीं जानदा ते किसे तरीके नाल उहदी कीमत दा मतलब उहदा मुल ही नहीं पाया जा सकता। परमात्मा अमोलक है जी उहदा कोई मुल नहीं। बाबा जी दा एक शब्द है इस श्री राग विच उस दे चार पदे ने ते चारां पदियां दे अखीर विच महाराज इक्को गल कहिंदे आ कि इह कर्म करके इह कर्म करके तेरी कीमत नहीं पै सकदी। आ बचन हजूर दा जिस विच दातार जी ने कहा कोट कोटी मेरी आरजा पवन पीण अप्याओ चंद सूरज दो गुफा न देखा सुपने सौन न थाओ भी तेरी कीमत ना पवै खो केवड आखा नाओ। तेरी कीमत नहीं पै सकती। इत्थे दातार कहिंदे ने कीमत कोई ना जानी कोई भी कीमत नहीं जानता। सतगुरु जी ने किते नहीं कहा कि असी परमात्मा दा था पा लिया। बाबा जी ने कहा कहिंदे करोड़ां साल जी के तपस्या करके हनेरे विच बैठ के जे मैनूं पुछे गुरु नानक साहिब कहिंदे पुछे भी उहदी कीमत पा ली। महाराज कहिंदे नहीं उहनूं कीमत नहीं पाई जा सकदी। को नाहीं तोलन हार
कीमत पवेगी ते वेट होगा ना, तो महाराज कहते हैं कीमत दी तोल ही नहीं कोई सकता, उन्हें कोई नहीं तोल सकता, इना अगाध बोध है। महाराज कहते मन तन अंतर वस रहे, जो कोई दिन रात उन्हें चेते करता है वह मन विच तन विच आ परमात्मा वसदा है। महाराज कहते नानक नहीं शुमार, पाठ असी शुमार ही करांगे, अर्थ नहीं शुमार, अर्थ उसकी गिनती कोई नहीं, मन तन च रब रहा है पर उसकी गिनती नहीं। तो महाराज फिर अगे सरलेख की व्याख्या करते हैं, दिन रैण जे प्रभ कौ सेव दे, जेडे दिन रात परमात्मा जी नू सेव दे ने, याद करते ने, सिमरन करते ने, तिन कह सद बलिहार, मैं उन्हां तो सदीव काली कुरबान जाना, बलिहार जाना, वारने जाना, जेडे दिन रात कदी भी परमात्मा नू भुलांदे नहीं। इस दूजे पदे विच दातार जी ने यह गल ते जोर दिता, वह सर्व कला समर्थ है, अंदर दी पीड़ा सुनदा है, उनू जन्म तो लैके मरण तक विसारीए ना, यह लोक ते परलोक उहदा अपना परिवार है जिहदा उहदे नाल संबंध बन गया। सच एवे लोक ते परलोक भी सुहेला है, वह उच्चा है, उहदा थां कोई नहीं, सेवा उही जे सब दे चरणा दी धूड़ बन जाए। अगे महाराज कल नू फिर बख्शिश करनगे कि उन्हों संत जन किमें आराधदे ने, ये आपां कल नू विचारांगे। समय दे लिहाज नाल जिन्ने को अर्थ मैं कर चुकिया स्वीकार करियो।